सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूजीएससी का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी होने वाला है, तो बहुत सारे स्टूडेंट एक्साइटेड में हैं और पूछ रहे हैं कि भैया सीट अलॉटमेंट कब तक जारी होगा, आज होगा या कल होगा, इसके बारे में बता दीजिए। और फिर उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात भी बताऊंगा, यानी कि डाउनलोड करने से पहले आपको क्या क्या सारी चीजें आपको कर लेनी चाहिए, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन घंटी प्रेस कर ले रहना, आपको सारा अपडेट मिलता रहेगा इंजीनियरिंग से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले डाउट है कि भैया सीट अलॉटमेंट रिजल्ट कब जारी होगा, कब तक होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, आज पॉसिबिलिटी है 90% कि आपको आज रात में 10 बजे के पहले सीट अलॉटमेंट जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद यदि आज नहीं होता है तो कल, तो 100% आपको भी पता है कि 30 तारीख को सीट अलॉटमेंट जारी होने वाला है और वो नोटिस में आपको लिखा हुआ है, सारा चीज डेट वगैरह डाला हुआ है, तो वहां से आप देख लिए होंगे। तो आप लोग का आप वेट करना है, आज रात 10 बजे मैं लाइव भी रहूंगा यदि आता है तो, अदरवाइज आज नहीं आएगा तो कल तो 100% आपको सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा कि आपको एक्चुअली में उस रैंक के बेसिस पर आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, कौन सा ब्रांच अलॉट हुआ है। उससे पहले, अलॉटमेंट से पहले फ्रेंड्स आपको अपग्रेडेशन करना होता है। आपको पता है कि फ्रिज फॉल्ट होगा, मैं बता दिया हूं, वीडियो आप लोग देख लीजिएगा अपग्रेडेशन रूल का, वो समझ लेना। उससे पहले आप पासवर्ड जो बनाए होंगे यूजीएससी काउंसलिंग करते समय, उसको काउंसलिंग में आप जो पासवर्ड बनाए हैं तो सबसे पहले डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, पासवर्ड के साथ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको वहां पर अपग्रेडेशन आएगा, तो फ्रिज यदि आपको पार्टिकुलर वही कॉलेज और वही ब्रांच चाहिए तो आप फ्रिज कर देना, अदरवाइज आप सेकेंड में फ्लोट कर सकते हो अगला राउंड में जाना है तो, यानी कि वो राउंड आपको, वो जो फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला है, ब्रांच मिला है, यदि आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप सेकेंड राउंड के लिए फ्लोट करके आप आगे बढ़ सकते हैं, उससे ऊपर वाला आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। यदि ऊपर वाला उस रैंक के बेसिस पर आपको नहीं मिलता है तो फिर से वही कॉलेज आपको अलॉट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आप सीट अलॉटमेंट को डाउनलोड कर सकते हो। जब डाउनलोड होने लगेगा, आ जाएगा रिजल्ट, तो मैं लाइव रहूंगा, तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिए, जैसे ही आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो चलते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले रहिए, सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। तो चलते हैं, थैंक यू सो मच फ्रेंड।